स्टेटस देखा। ऐसे स्टेटस को आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे मैं आपको यहीं सिखाने वाला हूं। तो ऐसे स्टेटस को बनाना बहुत आसान है, किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे आज की वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितने सारे मटेरियल यूज करूंगा सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और यहां से मटेरियल डाउनलोड करना बहुत आसान होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर वीडियो एडिट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो ऐसे स्टेटस को बनाने के लिए दो ऐप्स की ज़रूरत होगी, एक है एलाइट मोशन, दूसरा टेलीग्राम। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। तो चैनल पर चले जाना है, उसके बाद चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट लिंक और बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दोनों मिल जाएगा। सबसे पहले ये दोनों को एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना। तो इनपुट करने के लिए ये थ्री डॉट जो है, थ्री डॉट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन पर टच कर देना है। टच करने के बाद ये देखो एलाइट मोशन आ गया। तो एलाइट मोशन में टच करो, देखो इनपुट प्रोजेक्ट हो गया और ये बिटमार्क प्रोजेक्ट को इनपुट करना है। तो थ्री डॉट पर क्लिक करो, उसके बाद शेयर, उसके बाद एलाइट मोशन, देखो इनपुट प्रोजेक्ट हो गया। तो और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एलाइट मोशन ऐप में जाना है। तो अगर तुम लोगों के पास एलाइट मोशन नहीं है तो मैं एलाइट मोशन ऐप दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो एलाइट मोशन में आ गया, आने के बाद ये प्रोजेक्ट ऑप्शन जो है ये प्रोजेक्ट पर टच करना है। टच करने के बाद देखो बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक और सेक इफेक्ट दोनों आ गया। तो सबसे पहले बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद इस तरह दिखाएगा, क्योंकि बिट नहीं करना है, बिट आगे से ही कर मैं रखा हूँ इसलिए। ओके, डायरेक्ट हमको फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए इमेज वीडियो पे जाना है। थ्री डॉट में जाना है, फिल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद ये जो आगे का पार्ट है ये कुछ नहीं, एक कट कर देना है। करने के बाद ये जो तीर का ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। टच करने के बाद ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये कैंची का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करो, देखो कट हो गया। उसके बाद फिर से एक फ़ोटो को ले लेना है, फिल स्क्रीन कर देना। फिल स्क्रीन करने के बाद और यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद फिर से एक फ़ोटो हम सिलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, फिल स्क्रीन कर देना। ऐसे करके सारे फोटो ऐड कर लेना है। मैं सारे फोटो को ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद कुछ नहीं करना है, बैक हो जाना है। तो एक बार बैक कर लेना। एक बार बैक करने के बाद, हो जाने के बाद जो हम सेक इफेक्ट को इनपुट किया था वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो पहला इफेक्ट है इनको हम कॉपी करेंगे, टोटल 4 इफेक्ट है तो इनको हम कॉपी करेंगे। पिक्चर को टच करेंगे, उसके बाद कॉपी इफेक्ट कर देना है। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बैक हो जाना है और जो हम प्रोजेक्ट को बना रहे थे वो ओपन कर लेना।
ओपन करने के बाद ये जो सभी फ़ोटो है इन सभी फ़ोटो में नहीं लगाना है। ये जो फ़ोटो है पहला इसमें लगाना है, सेकंड में नहीं, थर्ड में लगाना है, फोर्थ में नहीं, फाइव में लगाना है, ऐसे करके ये इफेक्ट लगाना है। तो सिंपल सा फ़ोटो को टच करना, टच करने के बाद ये जो इफेक्ट है इफेक्ट पर जाना है, जाने के बाद थ्रेड पर जाना है, पेस्ट कर देना है। ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें हम नहीं लगाएंगे, इस पिक्चर के लिए अलग इफेक्ट है। सेकंड थर्ड में जाएंगे, फ़ोटो को टच करेंगे, इफेक्ट पर थ्रेड पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, इस तरह हम इफेक्ट को लगाएंगे। ये जो बड़ा पिक्चर है इसमें हम नहीं लगाएंगे, फिर से बैक हो जाना है, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट उसमें चले जाना है। जाने के बाद ये जो सेकंड इफेक्ट है इनको हम कॉपी करेंगे, पिक्चर में टच करना है, टच करने के बाद इफेक्ट पर जाना है, जाने के बाद थ्री डॉट पर जाने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना है, बैक हो जाना है और फिर से वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। जो सेकंड पिक्चर है इसमें हम ये इफेक्ट लगाएंगे, तो फोटो में टच करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, थ्री डॉट में जाएंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। फिर से हम ये फ़ोटो में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, थ्री डॉट में जाएंगे, पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम अलग इफेक्ट देंगे, फिर से बैक हो जाना है, आने के बाद सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट लिंक पे चले जाना है। उसके बाद ये जो है ये इफेक्ट को हम कॉपी करेंगे, तो फोटो में टच करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, उसके बाद बैक हो जाना। बैक हो जाने के बाद छः सेकंड के बाद इसमें हम देंगे ये फोटो में टच करना, इफेक्ट में टच करना, उसके बाद थ्री डॉट में पेस्ट कर देना। फोटो में जाना है, दूसरे फोटो में इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट कर देना। फोटो में जाना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में, तब उसके बाद पेस्ट कर देना, 19 सेकंड तक देना है। बैक हो जाना, बैक हो जाने के बाद मेरा सभी फ़ोटो में इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी जो है अभी दो पिक्चर में इफेक्ट देना बाकी है, वो है ये, तो इसमें हम टच करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, एड इफेक्ट पर जाएंगे और ये जो ऑप्शन है इसमें हम जाएंगे। जाने के बाद ये जो पहला है ब्लिंक पर टच करेंगे, हमारा जो इफेक्ट है वो आ गया, तो इसको 10 पॉइंट तक कर देना है। ये जो इफेक्ट है इनको हम कॉपी करेंगे, ये जो लास्ट में और एक पिक्चर है इसमें हम इफेक्ट देंगे, तो पिक्चर में टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर और पेस्ट कर देना। तो मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया, तो एक बार देखते हैं वीडियो कैसा हुआ। तो मेरा जो है वीडियो कंप्लीट हो गया और ये जो पहला पार्ट देखो, ये जो पहला पार्ट बाकी है इसमें हम अपना चैनल का लोगो देंगे।